वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु. आई होप यू ऑल डूइंग वेल. कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सो प्लीज़ अपना तो ख्याल रखिए और अपनी वजह से दूसरों को कोई नुकसान ना हो इस बात का भी ख्याल रखिए. इसलिए सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहने, क्योंकि अभी काफ़ी लोग जो हैं रोड पे मास्क नहीं पहन रहे हैं. सो वो बहुत ज़्यादा गलत है, आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है. सो आज की वीडियो मेरी कोविड-19 से ही रिलेटेड है. जैसा कि मैं आप लोगों को अभी करंटली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सो जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्वेश्चन के लेवल क्या है. और मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियोज़ भी प्रोवाइड करती रहूँगी, जिसमें मैं एक टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने स्लाइड्स के थ्रू वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ऐसी पूरी मेरी कोशिश रहेगी. सो अभी कॉटन से रिलेटेड लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, अब मैं आप लोगों को एक कैंपेन से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी. सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. बाकी मेरे जो और सोशल प्लेटफॉर्म है उनका लिंक और नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. सो आज की जो वीडियो है वो एक कैंपेन से रिलेटेड है. क्या है कैंपेन? पीएम मोदी लॉन्च द जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर. सो पीएम मोदी जी ने अभी कैंपेन लॉन्च किया है, जन आंदोलन कैंपेन, किनके लिए किया है? कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. So, Prime Minister Narendra Modi has launched a campaign called Jan Andolan for COVID-19 Appropriate Behavior on 8th October 2020. The campaign was launched through a tweet by using a hashtag Unite to Fight Corona. So, उन्होंने ट्वीट के थ्रू जो ये कैंपेन लॉन्च किया है. जो ट्वीट है वो क्या है? हैशटैग यूनाइट टू फाइट कोरोना. सो कोरोना को हम तभी हरा सकते हैं जब हम सब मिलके एक साथ सेफ्टी अपनी पूरी रखें. अगर एक भी लापरवाही करता है तो सबकी मेहनत जो है वो ख़राब जाएगी. सो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए. सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब की फैक्ट क्या है इस कैंपेन का, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स हैं इस कैंपेन में. द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च विद अ की मैसेज फॉर पीपल टू स्टे यूनाइटेड टू फाइट कोरोना. सो कैंपेन का मकसद ही यही है, एक मैसेज प्रोवाइड करना है लोगों को कि एक साथ रहकर फाइट करें कोरोना से. किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, बट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा या कोई लापरवाही कर रहा, तो आप उसको एक बार बोल सकते हैं प्यार से, बट किसी को भी ब्लेम मत कीजिए कि हाँ इस कम्युनिटी के थ्रू ये हो गया वो हो गया, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में. द कैंपेन रिमाइंड्स पीपल टू वेयर अ मास्क, टू वॉश हैंड्स, टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड टू प्रैक्टिस 2 गज की दूरी टू फाइट द सिचुएशन. सो कैंपेन जो है वो लोगों को रिमाइंड करा रहा है कि मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और 2 गज की दूरी जरूर रखो. ओके, द कैंपेन हैज बीन लॉन्च इन द वेक ऑफ अनकमिंग फेस्टिवल विंटर सीजन एंड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी. सो कैंपेन जो है वो लोगों को ये बताना चाह रहा है कि अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है. सो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा रश होता है काफ़ी जगह, तो बहुत उस चीज़ को कम करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा. और जितनी ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो चीज़ हम मार्केट में लेने ना जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा सब मार्केट के लिए निकलेंगे उतना ज़्यादा इसको फैलने के लिए बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा कोरोना को. और विंटर सीज़न भी आ रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है तो बुखार जुकाम का टाइम आ रहा है. सो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े वुलन के वेयर कीजिए ताकि ठंड ना लगे, बुखार जुखाम ना हो. सो इसी चीज़ को कैंपेन जो है वो बता रहा है कि भाई जो ये फेस्टिवल आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, तो इसमें अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखने की नीड है. नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? हाउ द कैंपेन विल टैकल द सिचुएशन. सो कैंपेन जो है वो कैसे टैकल करेगा सिचुएशन को. द कैंपेन एम टू ब्रिंग अ जन आंदोलन एंड इनकरेज पीपल पार्टिसिपेशन थ्रू एक्टिविटीज लाइक वॉल पेंटिंग, डिस्प्ले होर्डिंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड इन गवर्नमेंट प्रीमिसेस. सो ये जो कैंपेन है वो एक जन आंदोलन इंकरेज करेगा, पीपल को पार्टिसिपेट करेगा, ताकि जो एक एक्टिविटीज़ कर सके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक जैसे वॉल पे पेंट करके बता दिया कि सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स ले रहे हो उसे सैनिटाइज करना है, उसे थोड़े टाइम तक दूर रखना है, कोई भी अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हो तो उसे अच्छे से सैनिटाइज करना है. और इलेक्ट्रॉनिक भी काफ़ी ज़्यादा
आ रहे हैं, जैसे अगर आप किसी को कॉल भी करते हो तो इतना लंबा मैसेज आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसे करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पे कॉल करना चाहिए। सो ये कुछ मेथड ऐसे हैं जिससे कि लोगों को हेल्प की जा रही है और लोगों को दोबारा से बताया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस कोरोना से अपने आप को और खुद को सबको बचाया जा सके। इट ऑल्सो आस्क द नेशनल एंड लोकल इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल। वही मीन्स नेशनल और लोकल इन्फ्लुएंसर्स को भी बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ही टाइम है। सोशल मीडिया जो है किसी चीज़ को बढ़ा भी सकता है, किसी चीज़ को घटा भी सकता है, किसी की पॉजिटिव इमेज बना सकता है, किसी की नेगेटिव इमेज बना सकता है। तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए जैसे आपने काफ़ी बार देखा भी होगा तो जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं या फिर कोई और भी होता है तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो इट एम्स फॉर द रीजन स्पेसिफिक टारगेट कम्युनिकेशन थ्रू इजिली अंडरस्टेबल मैसेज सो दैट इट कैन रीचेस टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो इट इसका एम यही है कि इसका टारगेट है कि कम्युनिकेट कर सके, लोगों को इजिली अंडरस्टैंड करा सके अपना मैसेज, ताकि ये लोगों हर एक जो सिटीजन है हमारी कंट्री का उसके पास ये मैसेज पहुंच सके, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और हर चीज़ का ख्याल रखे, क्योंकि अभी ये जो डिजीज़ है वो कम्युनिटी में फैल चुका है। सो अगर कुछ भी एक भी पर्सन को होता है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो डेंजरस हो जाती है। सो प्लीज़ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपना पानी वगैरह गर्म पीजिए, ठंडा मत पीजिए, ऐसे ही चीज़ें मत कंज्यूम कीजिए जिससे कि बुखार जुकाम होने के चांसेस हो सकते हैं। और थोड़ा सा भी बुखार जुकाम लगे तो अपने आप को खुद ही पहले ही अच्छे से ठीक कर लीजिए, डॉक्टर के पास इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हाउ इंडिया टैकल द सिचुएशन। सो इंडिया कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर रही है, कैसे हैंडल कर रही है। इन द इनिशियल वेव ऑफ COVID-19 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये बोला कि एक डिजास्टर है, वो तो हम सभी देख रहे हैं कि एक बिना किसी चीज़ को हार्म किए, मीन्स जैसे सारी कंट्रीज़ जो है इतने वेपन्स रखती है कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें, दूसरी कंट्रीज़ को दिखा सकें कि हमारे पास ये वेपन है, बट एक छोटा सा वायरस जो एक छोटा सा है जो दिखता तक भी नहीं है, उस वायरस ने सारे वेपन्स को सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो ये एक COVID-19 जो एक डिज़ास्टर की तरह ही है कि बहुत ज़्यादा इसने हर कंट्री में एक साथ इतना ज़्यादा जो है हार्म कर दिया है। दिस हेल्प द स्टेट टू यूटिलाइज द फंड्स अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। सो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो इनिशियल लिया जा रहा है, इससे क्या होगा कि स्टेट के फंड में फंड आएगा ताकि इस फंड को यूज़ करके जो भी सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। फर्दर इंडिया ज्वाइन द कोवैक्स इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन ऑल द कंट्रीज। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, टू रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉसेस इंडिया ऑल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए इंडिया ने और भी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो ये ऐसी कुछ योजना है जो कि जो पुअर पीपल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पुअर पीपल हुए हैं, सो उन लोगों के लिए ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके इकोनॉमिकली। दिस स्कीम वॉज एम एट इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एमिड द लॉकडाउन। सो ये स्कीम जो है वही इम्प्रूव कर रहा है लाइवलीहुड, ताकि उनको लोगों को डेली के बेसिस पे जो उनकी बेसिक नीड है वो प्रोवाइड किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अलग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।